भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। वसीम सैयद जो है नजीब मुल्ला पर तंज कसा करते थे कि ये बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। नजीब मुल्ला यहाँ पर आते हैं तो उनको किसी पार्टी से जोड़ना ये सबसे गलत बात, कि मैं नजीब मुल्ला के साथ हूँ या फिर मैं उनकी पार्टी के साथ हूँ। काम अगर हो रहा है तो वो पार्टी नहीं है, मतलब अपनी सामाजिक है। नहीं, बोलो ना। और अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं, नहीं, वो तो बीजेपी के है ना। जमील हत्याकांड अगर आपको मालूम होगा, जो मुख्य आरोपी है जमील शेख हत्याकांड के अंदर, खुलकर बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, खुलकर बोलिए। तो आप मर्डर कर लो, रेप कर लो, घोटाले कर लो, उंगली पकड़ के चल रहे थे, घूम रहे थे कि देखो इधर मिट्टी डालना है, उधर है, हाथ पकड़ के घूमे। तो दरअसल करा कौन रहा है, पूरे शहर को उलझा के रखे हैं। आप भी हमें आ रहे जा रहे इधर उधर, मांग करे वे, नजीब मुल्ला भी मांग करे, जितेंद्र वाला मांग कर ले, क्यों नहीं करते ब्लैकलिस्ट? कब्रिस्तान के ऊपर आकर सुई अटक गई है, जिसके लिए लोग लोखंड वाले से इम्पोर्टेड लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप जब आंदोलन पे बैठे थे तो उस वक्त क्या था, कब्रिस्तान के खिलाफ किसने लेटर दिया है, मैं उसको लाकर दिखाऊंगा दो दिन बाद। कब्रिस्तान की मुखालिफत में राजन नारायण खिने का है, जो मैं आपके सामने बहुत चल रहा हूँ। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा शहर में एमएम वली स्थित जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में भरनी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था और नजीब मुल्ला वो वहाँ पर पहुँचे थे, कब्रिस्तान का विजिट किए कि इसमें जल्द से जल्द जो है भरनी का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन वही नजीब मुल्ला के साथ में वसीम सैयद भी कब्रिस्तान में नज़र आए, जायज़ा लेते हुए, क्योंकि सवाल इसलिए वसीम सैयद पर उठने लगा क्योंकि वसीम सैयद जो है सोशल मीडिया के ज़रिए नजीब मुल्ला पर तंज कसा करते थे कि ये बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और ऐसे में अब वसीम सैयद खुद बीजेपी के साथ जो आरोप लगा रहे थे तो नजीब मुल्ला के साथ में खुद खड़े हुए नज़र आए। जिस तरह से आप पर आरोप लग रहा था कि आप नजीब मुल्ला के ख़िलाफ़ हैं और नजीब मुल्ला पर तंज कस रहे थे कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर दिए तो वो बीजेपी के हो गए, और ऐसे में आप भी वहाँ एमएम वली से जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति ना हो, ये अपील की गई थी, और ऐसे में अगर कोई अपनी पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। मैं एकदम क्लियर बोलना चाहता हूँ कि हम जो है वो गोडसेवादी विचारधारा के मुखालिफत में हमेशा से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। नजीब मुल्ला के साथ अगर आप वहाँ पर मुझको देख रहे हैं तो बहैसियत कौम के एक नुमाइंदे के हम कब्रिस्तान के दौरे पर गए थे और ये दौरा 2021 से पहले से चलता आ रहा है। ऐसे में अगर नजीब मुल्ला यहाँ पर आते हैं तो उनको किसी पार्टी से जोड़ना ये सबसे गलत बात है। लेकिन एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नजीब मुल्ला बहैसियत एक कॉरपोरेटर होते हुए जब मुमरा आ रहे हैं तो इस बात को दर्शाता है कि कुछ कॉरपोरेटर की नाकामी पे पर्दा डालने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि इसको राजनीति के मद्देनज़र ना देखा जाए। कब्रिस्तान के अंदर जो भी बेहतरीन काम हो रहा है उस काम को जो है वो सही तरीके से अंजाम दिया जाए। एक बात मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि देखिए राम मंदिर के मामले के अंदर है ना, अगर आप किसी को देखोगे या मराठा आरक्षण के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर जितने भी नेता नज़र आते हैं वो बीजेपी से होते हैं, वो भारिप से होते हैं, वो आपको राष्ट्रवादी से होते हैं, कांग्रेस से होते हैं, तो वो अपनी समाज के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर एज ए यूनिट काम कर रहे हैं जिसके अंदर खैरख्वाही का काम हो
तो उसमें इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि मैं नजीब मुल्ला के साथ हूँ या फिर मैं उनकी पार्टी के साथ हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना पक्ष क्लियर रखना चाहता हूँ कि मैं ऐसी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता जो बीजेपी की एलाई पार्टी हो। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अलग है और एक सामाजिक तौर पर वो आए थे तो इसलिए आप वहाँ गए थे, तो आप लोगों ने ही बुलाया था क्या उनको? नहीं नहीं, देखिए अभी MYF ग्रुप जो है, मैं बता चुका हूँ, इससे पहले जो है वो 2021 से पहले से जो है वो हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैं तो बस और उससे पहले से मैं इसके लिए पैदल यात्रा कर चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें। एक बात बताइए कि वही नजीब मुल्ला जब बीजेपी के साथ है तब बीजेपी के साथ है, पार्टी अलायंस है वहाँ बीजेपी का है, वही नजीब मुल्ला जब मुंब्रा में आते हैं कोई काम करने के लिए तब वो अलग हो जाते हैं, पार्टी से हट के हो जाते हैं? मैं इसके लिए बोलता हूँ कि ये जो काम है ना मर्दान, मतलब अपना काम अगर हो रहा है तो वो पार्टी नहीं है, मतलब अपनी सामाजिक है। नहीं, नहीं बोलो ना। और अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं नहीं वो तो बीजेपी के हैं ना। खुलकर बोलो। मैं तो बोलता हूँ जब आओगे ना तो अपने जैसा आपने फैसला लिया हो ना खुलकर बोलो, जो गलत है गलत बोलना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात एकदम अभी खुलासा करता हूँ आपके सामने, कोई मेरे लिए कोई ख़ास नहीं। जमील हत्याकांड अगर आपको मालूम होगा, मनसे के जमील शेख का हत्याकांड, अभी बीजेपी के पास आप चले जाओ सफाई की मशीन शुरू, लॉन्ड्री की तरह धुल जाओगे। कल, आज बता रहा हूँ आपको, अभी लिख लेना इस चीज़ को, बता रहा हूँ मैं, धक्कादायक, धोखादायक, विस्फोटक खुलासा, जो समझना है बोलने के लिए बोलो। कल 20 समरी होने वाली है उस केस के अंदर, जो मुख्य आरोपी है जमील शेख हत्याकांड के अंदर, मुख्य आरोपी का नाम हटा दिया जाएगा। बीजेपी के साथ चले गए ना तो आप मर्डर कर लो, रेप कर लो, घोटाले कर लो, है ना, लोगों की ज़मीनें कब्जा कर लो। खुलकर बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, खुलकर बोलिए। मैं और इससे ज़्यादा खुलकर क्या बोलूँ, जमील शेख हत्याकांड के अंदर मनसे के जमील शेख को सरेआम जिसको गोली मारी गई, जिसके मुख्य आरोपी के नाम के ऊपर पूरी राजनीति चल रही थी, उनका नाम कल 20 समरी से हटा दिया जाए। तो बताओ फिर उसका मेन आरोपी कौन है, किसने मर्डर किया? अगर एक नहीं है ना, सर्टिफाई कर रही है पुलिस ना कि ये नहीं है, सत्यजीत साहब गए, जयजीत साहब गए, आशुतोष डुमरे साहब आए पोस्टिंग और पहला ही गिफ्ट, तो विचारधारा अलग रहेगी। नाथूराम गोडसे के कातिलों के खिलाफ कांग्रेस कल भी थी आज भी रही। नाथूराम गोडसे कौन है, गांधी जी के कातिल है कि नहीं है कि नहीं? तो जब गांधी जी के कातिलों की सोच विचारधारा वाली पार्टी अगर यहाँ पर आपके पास आती है, आपके साथ काम करने के लिए बोलती है, तो हम साथ में काम करने के नहीं है, हम जो है वो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा पर काम करें। अच्छा, अगर पार्टी पे है तो आप साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वही शख्स पार्टी काम से आता है आपके शहर में तो आप हाथ पकड़ के घूमते हैं, वही चीज़ हुआ ना। आप जैसे बोले नजीब मुल्ला NCP में, अजीत पवार NCP पार्टी में और उधर गठबंधन है, तो आप उनके खिलाफ नजीब मुल्ला के, और जब वो कब्रिस्तान में विजिट किए, दौरा किए, तो आप उंगली पकड़ के चल रहे थे, घूम रहे थे कि देखो इधर मिट्टी डालना है, उधर है। हाथ पकड़ के घूमे ना ही हम उनको, देखिए एक बात है, अगर उधर राजनीति में है तो अलग है, यहाँ अपने काम के लिए आए तो वो अलग हो गए, है ना। नहीं नहीं, हम उनके पास भीख नहीं मांगने गए ना, हम नजीब मुल्ला के पास भीख मांगने नहीं गए, हम अभी भी बोल रहे हैं राजनीतिक तौर पर ही काम हो रहा है ना वहाँ। कोई ऐसा अगर बोल दे वे राजनीतिक तौर पर, अगर वो बोल दे कि मैम बीजेपी से फंड ला कर दे रहे, लानत है हमारी जिंदगी पर अगर हम इनसे काम करवा के लेंगे तो, हम मांगेंगे नहीं इनसे कोई भी काम। बोल दे वो बीजेपी के फंड से करा रहे, बोल दे वो अजीत पवार से करा दे रहे, बीजेपी की हुकूमत से करवा दे रहे। देखो भैया, TMC को मुमरा वालों ने पैसे दिए, हमारे पैसे का फंड है वो, इससे पहले भी जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं ना, तो यहाँ भी तो सब गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। एक तरफ शरद पवार पार्टी के NCP के विधायक हैं जितेंद्र धवाड़, वो कह रहे हैं कब्रिस्तान की भरनी हम कराएंगे,
हम करा रहे हैं। उधर नजीब मुल्ला भी आके बोल के गए कि 30 तारीख के पहले जो इसका काम शुरू हो जाएगा, 30 तारीख तक हो जाएगा। तो दरअसल करा कौन रहा है, पूरे शहर को उलझा के रखे हैं। आप भी जो है उसमें आ रहे जा रहे इधर उधर, तो हम कौन करा रहा है? हम सत्ता में है नहीं ना। देखो हमें अब बात बोल दीजिए ना आपने, अब बात निकली तो पूरी होनी पड़ेगी ना। शरद पवार के गुट की बात करें आपने, यहाँ अजीत पवार की गुट की बात हो रही है, दोनों के ना यहाँ गुट गया। मैंने पहले कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बोलो तो मैं जवाब देता हूँ। जितेंद्र रावड़ का क्या लेने देना कब्रिस्तान से? जब TMC काम करा रही है ना, फंड किसकी तरफ से भैया, टेंडर किसने कॉल किया है? TMC ने कॉल करी है ना, TMC ने कॉल करी है। इससे पहले जो मेयर था वो कौन था? नरेश मस्के था। वो कौन सी पार्टी का है? मुख्यमंत्री की पार्टी का ना, बराबर ना। घपले घोटाले आपस में हो रहे, काम क्या रखड़ रहा है भैया? कब्रिस्तान जैसी जगह को तो छोड़ो, वहां पर ये बात तो मानना पड़ेगा ना, 4.5 फीट की भरनी चाहिए एक सेक्शन तो में। वो भरने के लिए किसने मांगनी किया है? हमने। कौन? मुमरा वालों ने किए मांगनी। कौन तो उसका बजट उसका कौन ला रहा है? मनपा से मांग कर, मनपा तो अपने आप बोलेगी नहीं कि चलो हम भर देते, कोई गया होगा ना, पत्र व्यवहार उसका किया होगा, संपर्क किया होगा मनपा से, हमें ये जरूरत है, तो कौन है वो? नहीं नहीं, अगर किसी ने भी किया है, पहली बात तो ये देखो, ये काम जो है ना, जो सुधारणा निधि जो होगी ना, वहाँ पे वो डिक्लेयर करे भाई किसने किया। सुधारणा निधि जो है ना, निधि के जरिए से काम, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसको मिला वो भरने का? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की कोई डिटेल नहीं अभी तक क्या ये बाहर, कोई डिटेल बाहर नहीं आई कॉन्ट्रैक्टर की। और अगर आएगी तो हम उसके सामने, हम तो बोलेंगे इससे पहले का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैकलिस्ट करो, खास करके मांग करे वे, नजीब मुल्ला भी मांग करे, जो भी है ये मांग करे, जितेंद्र वाला मांग कर ले भैया, ब्लैकलिस्ट किया जाए इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर को, खुलेआम बोल रहा हूँ आपके सामने। क्यों नहीं करते ब्लैकलिस्ट? क्यों ऐसे लोग को वापस दे रहे? चारों नगर सेवक वहाँ के जो उस पैनल के थे, चारों नगर सेवक कब्रिस्तान के ऊपर आकर सुई अटक गई है, लेकिन वहाँ पर जो स्कूल की जो हालत ख़राब है उसके बारे में किसी ने कहा? चारों नगर सेवक की जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी है? स्कूल के ऊपर कौन बोलेगा? हॉस्पिटल के ऊपर कौन बोलेगा? ITI गर्ल्स का जो सेक्शन वहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर कौन बोलेगा? लाइब्रेरी उनके इसके अंदर आती है उसके ऊपर कौन बोलेगा? वो जो रोड के ऊपर हाईमास्क और लाइट जब बंद पड़ी हुई है, वहाँ पे शौचालय बंद पड़ा हुआ है, वहाँ के ऊपर जो रोड का जो आजू बाजू में जो इलीगल काम हो रहे हैं उसके ऊपर कौन बोलेगा? स्कूल की जो हालत वहाँ पर हुई है, उसका प्लेग्राउंड की जो हालत हुई है, जो छोटी स्कूल है वहाँ पर, जिसके लिए लोग लोखंड वाले से इम्पोर्टेड लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग आके आवाज़ उठा रहे, लेकिन ये चारों नगर सेवक सोए हुए। क्यों सोए हुए? इनको इलीगल जगहों पर कब्जा करना है, इनको जो है वो शासन की जो जगह है उनके ऊपर कब्जा करवा रहे। अगर नहीं आप कब्जा नहीं करवा रहे ना, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये सब चीज़ के ऊपर नहीं बोलने का था। ये जब जगह पर बात आएगी, भैया यही लोग थे ना, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाता कि भाई नजीबगढ़ के अंदर क्यों तुम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे, क्यों तुम उसकी दावत में खाना खाने के लिए गए थे? नजीब मुल्ला से हम तो भाई एज ए MYF का हमारा पूरा ग्रुप वहाँ पे मौजूद था, हम तो सोशल वर्कर के तौर पर वहाँ पे थे, हम अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं पहुँचे थे। हमारे से सफाई अगर पूछी जा रही है तो नगर सेवकों से क्यों नहीं पूछा जाता? एक आखिरी सवाल, आप जब आंदोलन पे बैठे थे तो उस वक्त कहा था कब्रिस्तान के खिलाफ किसने लेटर दिया है, मैं उसको लाकर दिखाऊंगा 2 दिन बाद। कितना दिन गुजर गया, वो लेटर कहाँ है? आप तो घूम रहे, लेटर है क्या आपके पास? मैं आपकी बात सही है कि कुछ वजह से उस चीज़ के अंदर डिले हुआ, मैं खुद शहर में नहीं था, मैं आज आया हूँ। इससे पहले मोबाइल में रखे हो लेटर? नहीं, मोबाइल मैंने, मैं आपको इस्लामुद्दीन भाई आपसे तो ये बात का वो रहा, अहद रहा भी आपका और मेरा कि मैं वो लेटर और नाम ले करके बोलता हूँ। हालांकि उनके बेटे की शादी है और शादी ब्याह के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला लेटर कब्रिस्तान की मुखालिफत में राजन नारायण किने का है, जो मैं आपके सामने बहुत चल लाऊँगा। तो आपने सुना कि किस तरह से नजीब मुल्ला के साथ जब ये देखे गए और इन पर सवाल उठ रहा था उसको लेकर भी इन्होंने बात कही है कि राजनीति अलग है और जो शहर के काम है उसके संदर्भ में अगर कोई आता है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं।